सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो नाज़रीन, ये वो ट्रॉफी है जो कि कराची प्रेस क्लब से इन्होंने जीती थी और इस पर इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। मैडम नूर जहां, जिन्हें मलिका तरन्नुम के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें हमसे बिछड़े 21 साल हो गए, मेरे साथ मौजूद हैं समीना नूर। ये 20 साल से सिंगिंग कर रही हैं और सिंगिंग के साथ साथ ये एक नात ख्वाह भी हैं। इनका कहना है कि ये लियारी की मैडम नूर जहां हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये 20 साल से इतने सारे कॉम्पिटिशन और इतनी सारी ट्रॉफीज़ जीत चुकी हैं कि इनके पास अब रखने को भी जगह नहीं है इनके घर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप मुझे बताएं कि अभी आप हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए कोई नात पढ़ के सुनाना चाहें मैडम नूर जहां की आवाज़ में। जी मैं नात ही आपको सुनाऊंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम अजबालाए बाम आ गया है, लबों पे मुहम्मद का नाम आ गया है। करम अजबालाए मुझे मिल गए शाहे, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है। करम आज बाला माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मुझे बताएं समीना जी कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई और सिंगिंग करता है, कहाँ से इतना खूबसूरत आपने आवाज़ निकाली और कैसे सीखा ये सब? सीखा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अबू ही से है, वही मुझे, मैं छोटी सी थी 5 साल की तो मुझे सिखाते थे, तो बस उन्हीं से मेरा प्यार भी बड़ा था। जब अबू का इंतकाल हो गया तो बस उसके बाद बस सिंगिंग करना शुरू कर दी थी, नात खानी शुरू कर दी थी। उसके बाद इनाम वगैरह भी मैंने जीते और यानी कि अवार्ड वगैरह भी मुझे मिले। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरी किस्मत हाथों की लकीरों की मोहताज नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।